गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली। आज एपिकल्चर आम देखा लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बीज। तो जड़े मो स्टूडेंट जी कि मत रिक्वेस्ट करते एपिकल्चर उपर आउ हनी बी उपर से जानापी चाहूंट तो रिक्वेस्ट मुटा आज सब्जेक्ट मुझे नहीं कि आसी। तो समस्त देख जदि भल लगे निश्चय लाइक कर और क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यहाँ मो प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर स्किल एनहांसमेंट कोर्स तो मो एपिकल्चर अच्छी जारा कि आम सोशल बिहेवियर बा हनीबीज तार लाइफ हिस्ट्री कौन डिटेलता अच्छी तो मो सोशल बिहेवियर जन आज कि प्रथम आज आम लाइफ हिस्ट्री विषय जानवा हनीबीज देखो। तो लाइफ हिस्ट्री एक्चुअली जो गोटे हनी बीज अच्छे से मेनली चारिटा स्टेज देखना से गति करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो एक्स एक्स रु लार्वा लार्वा रु प्यूपा प्यूपा रु एडल्ट होता है ठीक अच्छे। तो ये प्रकार चारटा स्टेज देखना से गति करे। देखो फर्स्ट हूँ लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज ए द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज कंसिस्ट ऑफ फोर डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट इज एग लार्वा प्यूपा एडल्ट एडल्ट को इमागो भी कहा जाए। द डेवलपमेंट ऑफ हनी बीज इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस होलोमेटाबुलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो तीन प्रकार हो पारे हे तो तार जो जो तुम जान गोटे हनी बीज लार्वा स्टेज रु एडल्ट हो जो तार जो जो तार जो डेवलपमेंट जो स्टेज अच्छी से मेटामॉर्फोकली से डेवलप हो पारे किंबा इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोकली डेवलप हो पारे किंबा होलोमेटाबुलस टाइप किंबा जोटा जोटा हूँ मेटाबोल मेटामॉर्फोसिस ही गोटे टाइप ठीक अच्छे। तो लार्वा डिफर्स ग्रेटली इन फॉर्म फॉर्म फ्रॉम एडल्ट। तो आम जान एडल्ट स्टेजा हूँ लार्वा स्टेज रु संपूर्ण डिफरेंट लार्वा स्टेज पर डेवलप होगा से एडल्ट परिणत हुए। कंपाउंड आईज आईज आर आबसेंट इन लार्वा। तो लार्वा ये कौन होता है तर कंपाउंड आईज आबसेंट थाए। तो तुम जान जे गोटे हनी भी हूँ तार आर्थ्रोपोडा फाइलम जहाँ कि मेन तार क्यारेक्टर हूँ कंपाउंड आइज थाए कि लार्वा स्टेज रे हनी भी रो कंपाउंड आइज न थाए। लैटरल ओसेली और स्टेमाटा आर एज विजुअल ऑर्गन तेणु ये तार कौन हो लैटरल ओसेली हो कि स्टेमाटा होता हूँ तार विजुअल ऑर्गन जहाँ कि तार देखापी साय देर माउथ पार्ट एंड फूड हैबिट डिफर फ्रॉम एडल्ट। गोटे लार्वा स्टेज रे तार माउथ पार्ट पूरा डिफरेंट थाए तार जो फूड हैबिट बा तार जो इंटेक ऑफ फूड रो जो हैबिट थाए से संपूर्ण भाव में एडल्ट रु डिफरेंट थाए। विंग डेवलपमेंट इज इंटरनल व्हेन द लार्वल ग्रोथ इज कंप्लीटेड इट ट्रांसफर इनटू प्यूपा। ड्यूरिंग द नॉन फीडिंग प्यूपर स्टेज द लार्वा टिश्यू डिसइंटीग्रेट एंड एडल्ट ऑर्गन आर बिल्डअप। तापर सेकेंड देखिबा जे क्वीन डिपोजिट एग एट द बेस ऑफ सेल एंड फास्टन विथ म्यूसिलाजिनियस सिक्रीशन। आफ्टर थ्री डेज एग हैचिंग एंड वर्कर्स प्रोवाइड प्योरली व्हाइट फूड इन दिस व्हिच तब देखो सी शेप्ड लार्वा फ्लोट। सेल इज सील व्हेन लार्वा इज फुली ग्रोन इन द सील सेल इट टर्न इनटू प्यूपा फ्रॉम व्हिच एडल्ट एमर्ज। तो प्यूपा रे पूर्ण तब जो थरी कि एडल्टा थाए। लार्वा शेड स्किन फाइव टाइम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट तेणु से यार कौन होता है पांच थर तार जो चर्म अच्छे से चर्मटा को पांच थर से तार सेड मान कौन चर्म छाड़ेबा चमड़ा को छड़ेबा को कहुए सेड ठीक अच्छे। तो से पांच थर कौन कहे तार चमड़ा को से छड़े थाए। द सील्ड सेल कंटेनिंग वर्कर एंड ड्रोन ब्रूड एंड हनी कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिक ऑफ अपीयरेंस। तब देख इन ए कम वर्कर्स रेयर ब्रूड ब्रूड इन द सेंट्रल पार्ट व्वेर टेम्परेचर कैन इजिली बी मेन्टेन एंड हनी इज स्टोर इन द अपर एंड पेरीफेरल पार्ट। पोलेन इज स्टोर एराउंड ब्रूड एरिया सो दैट इट इज इजिली अवेलेबल फॉर रेयरिंग ब्रूड। ड्रोन ब्रूड एरिया कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम वर्कर ब्रूड आज द सील्ड ब्रूड कैन सेल इन द फॉर्मर केस आर एराइज्ड। तब देखो तीन नंबर द क्वीन बी लेज
both fertilized and unfertilized egg. The fertilized eggs that is diploid gives rise to queen and workers bees to end. जोर तमें जानी चो जे गोटे queen जे तोले ता दीटा प्रकार eggs अंडा दी था जो गोटे होची fertilized आ गोटे unfertilized जोटा fertilized है सेटा सबु गोटा को था female तो female दुई प्रकार था गोटे होची sterile आ गोटे होची queen. Sterile जे से तारा फर्दो से तारा बंश वृद्धि करे ना बा अंडा दिए ना किंतु से आज वर्कर काम करे ठीक अच्छे आ गोटे थी क्वीन जे कि रॉयल जे लिखाई कि निजकु निज से तार साइज रे बड़ करे एवं से गोटे क्वीन संपूर्ण गोटे नुआ क्वीन रे परिणत होता है. द अन अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज हैप्लोइड गिव्स राइज टू ए ड्रोन. तेणु जी अनफर्टिलाइज्ड थाए अर्थात हैप्लोइड थी तार एन संख्यक गुणसूत्र थाए से कौन हम से ड्रोन बा गोटे मेल परिणत हुए जार काम होगा से केवल वंश वृद्धि काम कै अर्थात क्वीन सागे से कपुलेसन कर. The eggs are morphologically similar. They are purple white in color and slightly curved. Eggs are laid slightly and vertically in the cell attached to the bottom of the cell. Fertilized egg are laid in either worker brood cell or queen cell. Unfertilized egg are laid in drone cell. तो मन को एकदम इजी सेंटेंस रहे तुम्हें को पढ़ले मध्ये बुझी पारबो. एट द एंड ऑफ थर्ड डेज द एग सेल गेट डिजॉल्व एंड द लार्वा एमर्ज आउट. तो थर्ड दिन रे कोन हो एग सेलटा कोन जीव डिजॉल्व है कि ना सेथ्रु लार्वाटा बाहरे. एग लेड इन द सेल ए सिंगल एग लार्वा स्टेज द लार्वा इज लूप शेप्ड initially towards cell capping. They stretch in the cell with head facing towards distal end of the cell. Larvae of the of all cast mold four times after which they enter pre-pupal stage. Larva is hemicephalous type which means head is partially developed and legless. तर अर्थात गोड़ न थाए. हनी बीज लार्वा इन द सेल्स. तो देखो प्यूपल स्टेज इन दिस स्टेज द लार्वा इज हेल्ड इन ए थीन स्किन कोकून ताको कोकून कह जाए अराउंड देमसेल्व एंड अंडर गो ग्राजुअल बट ड्रास्टिक चेंज. ऑल द कैरेक्टर ऑफ एडल्टहुड अपीयर्स इन दिस स्टेज. मन रखित जदि तुमको ट्रिकी क्वेश्चन बा एग्जाम रे क्वेश्चन पढ़ी पारे तो जो एडल्टहुड रो जो कैरेक्टर गुड़ाक कौ स्टेज रे ही देखा जाए से प्यूपा स्टेज रे ही अपीयर्स होता है. द प्यूपा इज ए एक्जारेट टाइप्स व्हिच मीन्स वेरियस अपेंडेज भाया जोड़ा होची तुम एंटीना लेग्स एंटीना थिबो लेग्स थिबो विंग पैड आर नॉट ग्लूड टू द बॉडी दे आर फ्री. द प्यूपा इज सॉफ्ट एंड पेल. द प्यूपा आर सील्ड एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू ड्रोन एंड वर्कर आज द सील इज रेस्ट ऑफ द ड्रोन. तापर हनी बी प्यूपा. तब देखो दस नंबर देखो एडल्ट और इमागो. व्हेन प्यूपल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड द इंसेक्ट चेंज टू एडल्ट. दिस इज फॉलोड बाय प्यूपल मोल्ड एंड एडल्ट बीज एमर्ज आउट द सील्ड सेल. इन एडिशन ऑफ एडल्ट बीज इज नॉर्मल कॉलन has different developmental stage brood that is egg and larva are unsealed and the pupa ए सील्ड ब्रूड. तापर एडल्ट कमिंग आउट ऑफ द सेल. तो देखो ड्यूरिंग द लाइफ स्टेज ऑफ द डिफरेंट कास्ट ऑफ द हनीबी कास्ट एग पीरियड और डेज लार्वा स्टेज प्यूपल स्टेज टोटल डेज ए सेरेना ए मेलिफेरा ए ए मान हो एपिज है तो यहाँ हूँ तार जूलोजिकल नेम कि तुम जो ए मेलिफेरा जहाँ भी अच्छे तो यही को प्रकार तार क्वीन रख सब देखो क्वीन देखो थ्री डेज फाइव डेज सेवेन डेज यही टाइप अच्छी तुम्हें जदि यही तुमको नेक्स्ट यही तुम देखीदि टेबुलेसन टेबुलेसन तुम जापर.
जे देख गोटे यंग लार्वा पाई तार वर्कर को 5 दिन क्वीन को 5 दिन ड्रोन को 5 दिन लगे से मिडिल लार्वा स्टेज है ताको 6.5 दिन 6.5 एमती दिन लगे ओल्ड लार्वा थिले ताको 8 डेज 8 डेज 8 डेज ये पर लगभग से भेरी यंग थिले केते दिन एटा देख तुम एटा संपूर्ण भाव तार डेज केते दिन ताको लगे ता लाइफ साइकिल टा कम्प्लीट हाँपी एटा संपूर्ण भाव तार चार्ट दे दीजिए तुम एक लिखि पार तो एटा थिला तार लाइफ साइकिल नेक्स्ट क्लास रे मु तार क्लासिफिकेशन एवं तार बायोलॉजी विषय कह आज तो ये थैंक यू।